नमस्कार, आपका स्वागत आज की हमारी खास पेशकश में, जो कि आज अम्बाड़ा लोकसभा को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा ऐसा नहीं है कि हम कहीं स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, हमने पूरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ का दौरा किया है और उसके बाद ये चर्चा आपके सामने लेके आ रहे हैं। इस विशेष चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार राकेश भारती जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप छुरान जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जिस तरह से पूरे कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकली हम लोगों ने इसका जायजा भी ले लिया है लोकसभा सीट का, क्या लगता है क्या कुछ रहने वाला है? सबसे पहले तो राकेश जी से शुरू करते हैं। राकेश जी, क्या कुछ समीकरण आपकी नजर में बन रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं और फिर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या कुछ चीजें बन रही हैं? जी बिल्कुल, पहले सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करूंगा कि आपने यथार्थ के धरातल पर उतरकर ग्राउंड रिपोर्ट जानने का प्रयास किया है। और अक्सर क्या होता है कि स्टूडियो में बैठकर चर्चा होती है, और जहां तक चुनावी समर की बात है, चुनावी बिल्कुल बच चुका है और अभी इसमें दूसरे दलों के, राजनीतिक दलों के योद्धा मैदान में उतरने बाकी हैं, तभी होगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है देखा जाए तो लोग जो देखते हैं वादे कथनी और करनी के अंतर में देखते हैं, और जो राजनीतिक दल है कांग्रेस है मुख्य रूप से, अभी तक उनके पूरे कैंडिडेट भी नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, इनके इन्होंने भी अभी नहीं डिक्लेयर किए हैं, लेकिन काफ़ी लंबी फहरिस्त है इसकी। तो इन्होंने जो विकास के वादे किए थे, जो यहाँ बहुत बड़ा हब बनाने की बात की थी यहाँ के पूर्व सांसद रतन लाल कटारिया ने कि साइंस इंडस्ट्री को बनाया जाएगा, आदि बद्री शिवालिक का क्षेत्र पड़ता है शिवालिक की पहाड़ियों में, इसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा, और वहाँ पर काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि फिलहाल तक तो अभी तो बाकी तो राजनीतिक समीकरण है काफ़ी होगी। जो माहौल है अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बाकी सीनियर पत्रकार सर, क्या लग रहा है राकेश जी की बात से, कितने सहमत है? देखिए, राकेश जी की बात में सहमत हूँ। ये पिछले दो बार से लगातार अम्बाला पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी जीतती आई है, और तीसरी बार भी जो हैट्रिक है जीत की, बीजेपी के लगने के आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़ी बात है मोदी का नाम है, और ये पूरा जो इलाका है पूरे पार्लियामेंट का, इसके अंदर जो है जो बीजेपी का जो विरोध का वोट बैंक है, यानी यहाँ ना तो जाट मेजोरिटी में है, यहाँ पर ना सिख मेजोरिटी में है, यहाँ पर ना मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो जो वोट बैंक का यहाँ का जो तासीर है यहाँ की, वो कहने की बीजेपी को रास आती है, और इसलिए 2024 के चुनाव में भी यहाँ बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट आए, बात हार जीत के अंतर की हो सकती है, लेकिन आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी है। कांग्रेस के लिए हालात तभी कुछ बनते हैं अगर कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला लेती है। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात होती है कि जिस पार्टी की सरकार है या उसके जो है उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, क्या ऐसी कमरों में बैठकर ही राजनीति करते हैं, यथार्थ के धरातल पर भी उतरते हैं? अम्बाला लोकसभा में अनिल विज का आप देख लो, सारे प्रदेश से लोग वहां अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। यमुनानगर में भी कुंवरपाल है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा बूथ नहीं होगा जहां से 10-10, 20-20 कार्यकर्ताओं का हम उनके साथ कई बार जाते हैं कि उनको नाम तक याद ना हो। तो जो यथार्थ के धरातल पर है, इन्होंने बहुत काम किया है, और एक योजना खत्म नहीं होती कि दूसरी योजना, कईयों को तो नाम भी याद नहीं होंगे, हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, हमें भी कहीं याद नहीं होंगे कि इतनी योजनाएं बना दी हैं घर घर तक जाना, और केंद्र की जैसे कुलदीप जी ने कहा कि मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाना है, यहाँ कैंडिडेट चेहरा नहीं देखा जाना, और जहाँ तक अभी मोदी का है उनका जादू बरकरार है। देखिए, उन क्या है कि लोकसभा में अगर हम दोनों पार्टियों की ताकत देखें तो इस 9 हलकों में से 4 हलकों में कांग्रेस के एमएलए हैं जी जी, और बीजेपी 5 में है। अगर वो लेवल देखें दोनों पार्टियां बराबर नजर आएंगी, लेकिन जमीनी लेवल पे क्या है कि जो 4 एमएलए हैं, 4 एमएलए में से भी क्या है कि 2 सैलजा के साथ में है, 2 हुड्डा के साथ में है, तो ये जो लड़ाई है ना कांग्रेस की आपस की, गुटबाजी जो है वो हर बार उसे नुकसान देने काम करती है, फुट पे लेके आती है। और निर्मल सिंह की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, लेकिन अभी भी सैलजा के साथ उनका कोई टाइप नहीं है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब कांग्रेस इतनी बिखरी हुई है तो जाहिर सी तौर पर बात है कि उसे नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। यहाँ पे अगर अशोक तंवर का पार्ट देखे तो क्या वो हो सकते हैं कामयाब? देखो, पैराशूट से तो उतरते रहे हैं अम्बाला लोकसभा में, लेकिन यहाँ के अम्बाला के जो मतदाता हैं उन्होंने अक्सर पार्टी के साथ या स्थानीय मुद्दों के साथ वो किया है, जैसा कि अभी बड़े भाई कुलदीप जी ने कहा है कि वो एक कहावत है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था। कांग्रेस में कोई वो नहीं है, लेकिन इनको अगर कांग्रेस को कोई हराने वाला है
तो वो कांग्रेसी ही होंगे, क्योंकि इनकी फूट ही मतलब एकदम एकजुट भी कोई कर पा रहा है इनका, इनके पास कोई अभी ऐसा करिश्मा ही नेता ही नहीं है जो भिन्न भिन्न उसमें गुटों में बटे हुए नेताओं को एक मंच पे ला सके। क्या बात, गजब की बात कही सर, अपने ही मारते हैं कांग्रेस को। और यही हाल यहाँ पे भी नजर आ रहा है, जिस तरह से आप कह रहे हो निर्मल सिंह एक मजबूत चेहरा मिल तो गए हैं यहाँ पे, लेकिन उनका फायदा कैसे उठाया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। वो तय तब होगा ना कि कांग्रेस की टिकट मिलती किसे है। बिल्कुल, क्या वो शैलजा के कहने से मिलती है तो फिर हुड्डा खेमे के उनके लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हुड्डा खेमे के नेता को टिकट मिलती है तो फिर शैलजा के साथी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये वजह ही कांग्रेस ये तो वो काम हो गया सर, मतलब एक दूसरे से एनओसी चाहिए फिर तो वो मिलनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विरोध इन्हें लेवल पर पूछ चुका है कि आपस में तालमेल नहीं होगा, शायद मजबूरियों में एक मंच पर आ सकते हैं लेकिन उनके दिल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल 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 सही बात है। और वो कहते हैं कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, कांग्रेस के नेताओं में मेरे ख्याल में यह नौबत भी जा चुकी है, हाथ भी मिलाने से कोई तैयार नहीं है। अच्छा ये बताइए अंबाला को सच में क्या चाहिए, क्या किस चीज की अभी तक जो है वो कमी अंबाला लोकसभा में खली है कि ये होना चाहिए था, आज तक इसका दंश अंबाला लोकसभा झेल रहे। जी अंबाला के जो गाढ़ क्षेत्र के लोग हैं, सडोरा है, बिलासपुर है, खिजराबाद है, यहाँ के लोगों ये कहते हैं, कई गांव तो ऐसे जिन्होंने अभी ट्रेन तक का चेहरा नहीं देखा। हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, गाढ़ क्षेत्र के कई गांव ऐसे हैं, तो यहाँ के जो भाजपा नेता है इन्होंने कहा है अक्सर वादा रहा कि हम यहाँ से पंचकुला, अंबाला से पंचकुला और कालका तक की रेल लाइन बनाएंगे। और इस समय ये पाइप लाइन में भी सरकार ने कहा है कि बड़ी खुशी हुई है, इस जो बजट था इसमें कहा था साइंस इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है, इतना उद्योग है, इनको ऑक्सीजन देने की जरूरत है जहाँ तक मेरा विचार है। और कई मुद्दे हैं यहाँ पे, खनन का क्षेत्र है, धरती का सीना चीर कर खनन माफिया दिन रात जो है यहाँ के खनिज पदार्थों को उकेलता, उस पर नकेल डालने का प्रयास भाजपा सरकार है, यहाँ पर केंद्र में भी भाजपा सरकार है, किसानों की पराली कहीं जलती है उसके लिए तो ड्रोन आदि आए जा सकते हैं, लेकिन मैनी को रोकने के लिए मैं कहता हूँ सबसे बड़ी कमी यही है कि जितना नुकसान हुआ है अभी इसका नुकसान नहीं लोगों को लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में पीढ़ियाँ इसकी जो है ना इसको भुगतेंगी, इसका खामियाजा भुगतेंगी, तो ये बहुत बड़ी कमी रही। रतनलाल कटारिया स्वर्गीय हो गए हैं, माफ कीजिएगा सर, रतनलाल कटारिया स्वर्गीय हो गए हैं, हम ये नहीं कहते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 10 में से अगर नंबर देना चाहेंगे तो कितने नंबर दे पाएंगे उन्हें, क्या वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, अंबाला लोकसभा के विकास के लिए खरे उतरे? नहीं, नंबर देना तो जनता का काम होता है, लेकिन पत्रकारिता की दृष्टि से मैं जहां तक कहना चाहूंगा कि वो जनता के बीच में रहे, लोगों के बीच में रहे, उनको कई जगह आलोचना का भी सामना करना पड़ता था लेकिन वो सहजता से उसको स्वीकार करते थे, और आलोचना को स्वीकार करने वाला ही एक सही मायने में राजनीतिक होता है। अगर जनता की तरफ से मैं नंबर देना चाहूँ तो मेरे ख्याल में उनको 10 में से 6 नंबर तो मिलने चाहिए। देखिए उनके है कि जो रतनलाल कटारिया जो पॉलिटिक्स थी वो पॉलिटिक्स अलग टाइप की थी, वो ठंडे स्वभाव के थे और वो कायदे से शायद वो चीज़ें नहीं मांग पाए जो मांगनी चाहिए थी, क्योंकि अंबाला साइंस सिटी है और यहाँ पॉपुलर सिटी है, साथ में आपका माइनिंग का है, साथ में आदि बद्री भी है, तो उस हिसाब से अगर कटारिया साहब चाहते तो लगभग 9 साल के कार्यकाल में वो काफ़ी कुछ कर सकते थे, क्योंकि ऊपर भी बीजेपी की सरकार थी और नीचे बीजेपी सरकार थी, वो जो लक्ष्य हासिल होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए थे डबल इंजन की सरकार में। लेकिन ये भी हकीकत है कि इसके बावजूद आज की तारीख में कहीं ना कहीं वोटरों की पसंद के तौर पर जो लोकसभा का वोट है वो पड़ता है सेंटर के हिसाब से, वो सेंटर में आज की तारीख में मोदी के जी के नाम के ऊपर जो कहीं ना कहीं इस इलाके में भी हमने लोगों को ज्यादा जुड़ाव देखा है, कांग्रेस या किसी और पार्टी के प्रति यहाँ कुछ नजर नहीं आया, तो यही वजह है कि यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। और एक बात मैं और कटारिया के बारे में कहना चाहूंगा, वो सबसे बड़ी बात मन से भी बोलते थे, क्योंकि आजकल जो है ना किसी के दिल को छूना बहुत बड़ी बात होती है, वो सीधे कहते थे कि मैं तो एक मोची का बेटा हूँ, और वो इतनी कवायद थी उनके अंदर, कुव्वत थी कि वो प्रधानमंत्री उस टाइम वाजपेयी जी होते थे उनको भी कह सकते थे, उनको भी नाम लेके कहते थे, मोदी जी को भी कहते थे कि मेरे क्षेत्र में ये काम है होना चाहिए, ये अलग बात है कि वो अपना सही तरीके से कर पाए या अमली जामा पहन पाए, भागदौड़ पूरी रही, जी वो रिजल्ट नहीं ला पाए। जी सर देखिए क्या है कि अगर 2024 के हिसाब से हम देखें तो अंबाला पार्लियामेंट में सीधी सी बात है कि कुमारी शैलजा आएंगी तो कांग्रेस मुकाबले में आएगी, वरना बीजेपी का चाहे बंतु कुटारिया आ जाए, चाहे वो कृष्ण बेदी आ जाए, चाहे अशोक तंवर आ जाए और चाहे बलवंत सिंह सिडोरा आ जाए, चारों को जीतने के आसार बन जाएंगे, बीजेपी को रोक सकती है, कुमारी शैलजा ही रोक सकती है, लेकिन इसके बावजूद
अपर हैंड बीजेपी का रहेगा। बाकी देखने की बात है कि दोनों पार्टियों से कैंडिडेट कौन आता है, उसके बाद फाइट नजदीकी रहेगी या फाइट एक तरफा रहेगी, ये रहेगा राकेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्योंकि कुमारी शैलजा का लगाव जब शुरू शुरू में यहाँ आए थे, लोगों ने कहा कि पैराशूट किया, लेकिन उन्होंने ऐसी मेहनत की, ऐसी कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की कि क्योंकि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। और मुझे याद है कि उस समय यहाँ पे रोड नहीं बना हुआ था, सहारनपुर क्षेत्र रोड, रात को आए वो, उन्होंने उसका निरीक्षण किया, जो रोडवेज से संबंधित अधिकारी थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने काफ़ी काम किया, मेहनत किया। और मैं कुलदीप भाई की से बात से सहमत हूँ कि उन्होंने जो जमीन तैयार की हुई है, अगर वो खुद आती हैं तो मुकाबला हो सकता है। लेकिन उसके लिए राकेश भाई ये काम करना पड़ेगा, उनको निर्मल सिंह के साथ टाइप करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दो सीटों पे जो है अंबाला कैंट, अंबाला सिटी के अलावा उनका परिवार इमरान से चुनाव लड़ चुका है और उनका पूरा पिछले 30 साल की जो वर्किंग है वो पूरे पार्लियामेंट की रही है। तो अगर शैलजा को चुनाव जीतना है, ये मुकाबले माने के लिए के लिए काफी है, बिल्कुल, लेकिन अगर चुनाव जीतना है तो निर्मल सिंह की फैमिली को साथ लेना पड़ेगा और कांग्रेस के सभी खेमे को, यानी कि चार के चार विधायकों को और सभी छोटे बड़े नेताओं को साथ मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा, तभी उनको वोट मिल सकते हैं, तभी कांग्रेस मुकाबले में आ सकती है, वरना बीजेपी एक तरफा माहौल में अंबाला सीट निकाल ले जाएगी। सर एक नाम है मेरे पास, प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल अगर आते हैं तो वो हाईकमान से आएंगे, तो ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा को और कुमारी शैलजा को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि उन्हें जीत के मुहाने ले जाए। देखिए पहली बात तो रुनी है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे पहले जरूरत अपने बेटे को चुनाव जिताना, वो ज्यादा बिजी तो अपने रोहतक में रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद उनका कहीं जुड़ाव रहेगा तो उनकी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी सोनीपत के ऊपर, जो है वो यहाँ आएंगे दौरे के लिए, लेकिन जो मेहनत और जो ताकत वो रोहतक सोनीपत में लगाएंगे वो यहाँ के लिए नहीं लगेगी। हाँ लेकिन एक बात है कि अगर प्रदीप नरवाल अगर कैंडिडेट बनकर आते हैं तो उनके गुट के जो नेता हैं वो शायद ज्यादा एक्टिव होकर यहाँ पर मेहनत करेंगे और कुमारी शैलजा के खेमे के नेताओं को भी उनकी मदद करनी पड़ेगी। उन हालात में कहीं ना कहीं एक 20 का चेहरा होने के चलते कांग्रेस को फायदा हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब माहौल बीजेपी पक्ष में है, जब वोट मोदी के नाम के हैं, तो उन कंडीशन में प्रदीप नरवाल जैसे नए चेहरे का आकर यहाँ पर एक बड़ा रिजल्ट निकालना, क्योंकि देखिए माहौल में नया चेहरा भी चुनाव जीत जाता है, जैसे 2005 में कुमारी शैलजा में कांग्रेस का माहौल तो आसानी से जीत गई, जब बीजेपी का माहौल आया तो रतनलाल कटारिया 2 बार चुनाव जीत गए। इस समय यहाँ का जो माहौल है बीजेपी के फेवर का है, कांग्रेस के फेवर का नहीं है। प्रदीप नरवाल आएंगे तो दोनों पार्टियों को जो नेता दोनों खेमे को मिल तो जाएंगे, लेकिन जीत के मुहाने तक पहुंचने की संभावना बेहद कम नजर आती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और ये तो थी चर्चा हमारी अंबाला लोकसभा को लेकर के, आपने अंबाला लोकसभा की समस्याओं से लेके उम्मीदवारों के चयन और उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस को लेकर सब कुछ जाना इसमें। अगर फिर भी आपको लगता है कि क्या कुछ हमसे छूट गया है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और अपनी भी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं इस लोकसभा सीट को लेकर के। और ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।